नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का हुआ एक और पर्दाफाश। स्कूल व कॉलेजों में तैयार होंगे वैक्सीनेशन कैंप। जाप सुप्रीमो ने उठाया दरभंगा में एमपी फंड से खरीदे एम्बुलेंस का मामला। बिहार के कई हिस्सों में 12 मई तक के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट। देश भर में लगातार पांचवी बार 4 लाख के पार गए मामले। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। स्कूल व कॉलेजों में तैयार होंगे वैक्सीनेशन कैंप। राज्य में आज से 18 से 44 की उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं इस दौरान इससे अधिक उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इसके तहत कोरोना संक्रमण के बीच सुरक्षा के साथ लोगों को केंद्र पर टीका लगे, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत सीएम ने कहा कि पहले से अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में जो टीकाकरण किया जा रहा था, अब उसकी जगह सभी लोगों का टीकाकरण की व्यवस्था स्कूलों या फिर कॉलेजों में किया जाए। इसके साथ ही पत्रकारों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों पर अलग से व्यवस्था करने की भी बात कही। इसके साथ ही सीएम ने केंद्रों पर शौचालय, पेयजल आदि की भी व्यवस्था रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं लॉकडाउन के दौरान टीका लेने के लिए लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। आज मनाया जा रहा है मदर्स डे। यूं तो हमारे जीवन का हर दिन हमें जन्म देने वाली माँ को समर्पित है, मगर फिर भी अपनी भावनाओं को बताने के लिए हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा यानी कि माँ के लिए एक दिन को मदर्स डे के रूप में तय कर दिया गया है। और इस वर्ष यह खास दिन आज यानी कि 9 मई को मनाया जा रहा है। ज्यादातर देशों में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने की परंपरा है, लेकिन कई देशों में इस खास दिन के लिए अलग अलग तारीखें रखी गई है। कुछ लोगों के मुताबिक मदर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जहां वर्जीनिया में एना जार्विस नाम की महिला ने इसकी शुरुआत की थी। कहा जाता है कि एना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनसे बहुत प्रेरित थी, जिस कारण उन्होंने ना कभी शादी की और ना ही उन्हें कोई बच्चा था, जिसके बाद माँ के निधन के बाद प्यार जताने के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की, जिसे फिर धीरे धीरे कई देशों में मदर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। पटना एयरपोर्ट के 2 दर्जन कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित। पटना एयरपोर्ट के 2 दर्जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से कुछ कर्मी गंभीर हालत में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वायरस की चपेट में आए ये कर्मी अग्निशमन विभाग के हैं। वहीं एयरपोर्ट के सिविल इंजीनियरिंग एटीसी व दूसरे कई विभागों के करीब 15 से अधिक कर्मी होम आइसोलेशन पर है। हालांकि लगभग आधे दर्जन कर्मी रिकवर भी हो गए हैं, मगर कमजोरी के कारण अब तक ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर सके हैं। इन सब के कारण एयरपोर्ट के कई कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों एयरपोर्ट पर एक विमानन कंपनी के स्टेशन हेड कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे। हालांकि पिछले एक हफ्ते में उनकी हालत में तेजी से सुधार भी हुआ है, जिसके बाद वे अब भी होम आइसोलेशन पर ही हैं। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा अब संक्रमित कर्मियों के ताजा आंकड़े जुटाने का काम चल रहा है। इस दौरान पटना में विमान सेवा पर भी खासा असर हो रहा है। सरकार ने जारी किया अल्पसंख्यक मदरसों व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन। ईद से पहले राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों व मदरसों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को सरकार ने राहत दी है। शिक्षा विभाग ने अल्पसंख्यक स्कूलों, मदरसों व संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए आदेश को जारी कर दिया है। इसके तहत तीनों प्रकार के स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों के लिए जारी अलग अलग आदेश में 2021-22 में वेतन व अन्य मद में 650 करोड़ रुपये की राशि को जारी किया है। वहीं इसके साथ ही गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों को 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं तत्काल 33 करोड़ रुपए की विमुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए अब राशि को जिलावार शिक्षा विभाग के विशेष सचिव के द्वारा निर्गत किया जाएगा। बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर ने खास अंदाज में की लोगों से घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूक करने को लेकर अक्सर ही पुलिस प्रशासन अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, मगर इस बार आरा जिले से एक बेहद अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है, जहां नगर थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार निराला अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो में सब इंस्पेक्टर फिल्मी गानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते नजर आए और आदमी मुसाफिर है गाने गाकर भावुक अंदाज में लोगों को घरों में रहने की अपील करते हुए नजर आए। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों से सख्ती से पेश आते हुए उन पर डंडे भी चलाए गए, जहां एक तरफ पुलिस का सख्त रवैया लोगों को देखने को मिलता है, वहीं आरा पुलिस के द्वारा जागरूक करने के साथ साथ भावुक कर देने वाले कार्य की हर तरफ तारीफ हो रही है। बिहार के कई हिस्सों में 12 मई तक के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में पिछले 24 घंटे में अचानक बदले मौसम के बाद कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 मई तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट को जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है, जिसके चलते पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक 12 मई तक इन सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में एक दो जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवेंद्र सिंह का हुआ निधन। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधान पार्षद रहे शिवेंद्र सिंह का निधन हो गया है। इस संबंध में पार्टी के नेता व एमएलसी संजय मयूख ने उनके निधन की जानकारी दी है। इसके मुताबिक पटना के कौटिल्य नगर में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। शिवेंद्र सिंह एक जमाने में बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्रा के सहयोगी हुआ करते थे। वहीं वे खुद भी एमएलसी रहने के साथ ही पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। उनके निधन को बिहार भाजपा ने क्षति बताते हुए कई भाजपा नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बांका सदर अस्पताल में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन बॉटलिंग यूनिट। अब बांका या इसके आसपास के क्षेत्रों के कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण भागलपुर या देवघर के अस्पतालों में रेफर होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सदर अस्पताल बांका में ऑक्सीजन बॉटलिंग यूनिट को बैठाने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में एक सप्ताह में प्लांट निर्माण का काम शुरू करने की रणनीति बनाई है, जिसकी लागत 1 करोड़ होगी। वहीं इसके लगने से प्रतिदिन 250 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति होगी। इस यूनिट को चेन्नई की कंपनी पेट्रोनास के द्वारा बनाया जाएगा। वहीं इसमें आईपीपीसी द्वारा बेहतर क्वालिटी के साथ इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लग जाने से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे अस्पतालों में 18 से 44 के लोगों को नहीं लगेगा टीका। बिहार में आज से 18 से 44 की उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुस्तैदी के साथ तैयारियां जारी है। वहीं जहां एक तरफ 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को पहले की तरह ही निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का टीका लगता रहेगा, तो दूसरी तरफ 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्था नए सिरे से की गई है। इसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण वैसे केंद्रों पर नहीं होगा जहां कोरोना के टेस्ट या फिर इलाज की व्यवस्था चल रही है। इसके तहत यह माना जा रहा है कि पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स जैसे अस्पतालों में इस आयु वर्ग को टीका नहीं लगेगा। वहीं उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए जल्द ही नए टीकाकरण केंद्रों को चिन्हित कर सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत सीएम ने भीड़ की संभावना को देखते हुए स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनवाने का निर्देश दिया है। पटना में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का हुआ एक और पर्दाफाश। बीते दिन ही राजधानी पटना में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब एक बार फिर से बिहार के आर्थिक अपराध इकाई टीम के द्वारा दवा माफिया पर शिकंजा कसा गया है। जानकारी के मुताबिक पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र से कुछ लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर प्रतिबंधित दवाओं को तय कीमत से ज्यादा में बेच रहे थे, जिसके बाद ईओयू की टीम ने जब इन दवा माफियाओं से प्रतिबंधित दवा रेमडेसिविर की 3 वॉयल की मांग की गई, तो दवा माफियाओं ने फोन पर इसकी कीमत 1,20,000 रुपये बताई, जिसके बाद दवा माफिया को दवा खरीदने की बात कहकर सिविल ड्रेस में मौजूद ईओयू की टीम ने मौके से इन तीनों दवा माफियाओं को 3 वॉयल प्रतिबंधित दवा की खेप के साथ कई एटीएम और क्रेडिट कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में स्थानीय पत्रकार के साथ मैनकाइंड फार्मा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नीतीश कुमार के साथ ही एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। शहाबुद्दीन के घर पहुंच आरजेडी विधायक ने उनके बेटे से की मुलाकात। कई संगीन आपराधिक मामलों में अभियुक्त सिवान के पूर्व सांसद व आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही उनके समर्थक लालू परिवार और आरजेडी पार्टी को लेकर नाराज दिख रहे हैं। इस बीच आज आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने शहाबुद्दीन के घर प्रतापपुर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे, जहां उन्होंने उनके बेटे ओसामा से भी मुलाकात की। दरअसल शहाबुद्दीन के समर्थक उनके नेता के मौत के बाद आरजेडी के बड़े नेताओं द्वारा कोई खास मदद नहीं मिलने की बात से ही खफा चल रहा है। इसे देखते हुए रीतलाल यादव का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव तेजस्वी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। गया की जनता ने अपने विधायकों के गायब होने के लगाए पोस्टर। अक्सर चुनाव के समय जब विधायक वोट मांगने अपने क्षेत्र में जाते हैं, तब इस बात का दावा जरूर करते हैं कि मुश्किल की घड़ी में वह जनता का साथ जरूर देंगे, इसलिए वह उन्हें वोट दे। यही कारण है कि बढ़ते कोरोना काल में गया की जनता के साथ कांग्रेस इस संकट की घड़ी में सांसद विजय मांझी और टाउन नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को खोज रही है। लोगों का कहना है कि दोनों अभी तक कोरोना काल में फरार हैं। उनको खोजने के लिए गया में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर सांसद और विधायक के लापता होने की बात कही गई है। जब सुप्रीमो ने उठाया दरभंगा में एमपी फंड से खरीदे एम्बुलेंस का मामला। बिहार की राजनीति में एम्बुलेंस का मसला छाया हुआ है। अभी सारण में लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव में बेकार पड़े एम्बुलेंस का मसला चल ही रहा था कि वहीं अब जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने दरभंगा में भी पड़े एम्बुलेंस को चर्चा में ला दिया है। इस बीच अब उन्होंने दरभंगा के खेल मैदान बेता ओपी में सर रहे एम्बुलेंस का मामला उठाते हुए इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। ट्वीट में उन्होंने तस्वीर को डालते हुए लिखा कि दरभंगा के सांसद रहे कीर्ति झा आजाद के कार्यकाल में 32 लाख रुपये
प्रति एम्बुलेंस की दर से इन एम्बुलेंस को खरीदा गया था। इसमें हाईटेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एक्सरे व जनरेटर की सुविधा है। बावजूद इसके ये सड़ रही है। वहीं दूसरी ओर गंभीर मरीज एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार तो जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसके साथ ही उनके रजिस्ट्रेशन में भी अभी तक नहीं किए जाने को घोर लापरवाही बताते हुए सरकार से सवाल किया कि इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर जिला प्रशासन। बीसीसीआई अध्यक्ष ने आईपीएल 2021 को लेकर दिया बड़ा बयान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने आईपीएल 2021 के दोबारा शुरू होने की चर्चा पर बयान दिया है। इसके तहत उन्होंने कहा कि आईपीएल 2021 को पूरा नहीं कराए जाने पर बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट कब दोबारा शुरू होगा इस पर बात को साफ नहीं कहा। सौरभ गांगुली ने इस संबंध में कहा कि अगर आईपीएल 2021 पूरा नहीं किया जा सका तो ये बीसीसीआई और तमाम फ्रेंचाइजियों को बहुत भारी पड़ सकता है और तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ शुरुआती आंकड़ों के तहत अनुमान लगाया गया है। देश भर में लगातार पांचवीं बार 4 लाख के पार गए कोरोना के मामले। देश भर से कोरोना वेव आक्रामक बन चुका है। बीते 24 घंटे में लगातार पांचवीं बार ऐसा हुआ है जहां 4 लाख के पार मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान फिर से एक दिन में मौत का आंकड़ा 4,000 के पार चला गया है। इसके तहत 4,092 मरीजों की जान चली गई है। इस दौरान 3,86,444 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस की संख्या देश में 37,36,648 हो गई है। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 12,948 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 14,962 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,12,936 हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 79.97% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।